कौन सा क्वेश्चन है ये? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जो बचपन में तुम लोगों के घर में पूछा जाता था वैसे ही क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 10 लड़के 10 दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं, तो 3 लड़के 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? अब इसमें मैथ पत लगाने लगना, क्योंकि क्या होगा, बहुत दिमाग तेज होता है तुम लोगों का, तो तुरंत टाइम एंड वर्क ना सोचने लगना कि 10 आदमी 10 दिन में 10 किलोमीटर को काम वर्क समझ लेना, तो वहां करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका जनरल क्वेश्चन, ये रीजनिंग है, जनरल थिंकिंग पे है। जैसे बचपन में आपसे पूछा जाता था ना कि घर पे कपड़े पसारे हुए थे, तो बोलते हैं 10 कपड़े 10 घंटे में सूखते हैं, तो एक कपड़ा कितने में सूखेगा। वैसे ये भी, अगर 10 लड़के हैं 10 दिन में 10 किलोमीटर चलता है, तो 3 लड़के कितने 10 किलोमीटर कितने दिन में चलेंगे भाई? सिंपल सी बात है, 10 ही दिन में चलेंगे, क्योंकि अब ग्रुप वाइज हो, 10 लड़के हो, अगर कहीं जाना है 10 किलोमीटर की दूरी, अगर 10 दिन लगता है, तो उसमें एक लड़के को भी उतना ही समय लगेगा, 10 ही दिन लगेगा, तो 3 लड़के को भी उतना ही समय लगेगा। तो ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें मैथ मत लगाना, नहीं तो गलत कर दोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कमेंट करो आंसर, सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट करो, ये क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो और इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से जल्दी, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। रानी एक्टिवा से अपने कार्यालय गई, वो अपने घर से 10 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है और 50 मीटर जाती है, और दाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, और अंत में दाएं मुड़ती है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 100 मीटर जाती है। उसके घर और कार्यालय के बीच की हवाई दूरी पता करना है, मतलब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। तो मतलब कौन लगेगा यहाँ पे? पैथागोरस चाचा लगेंगे। पैथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। जिसका आंसर आ गया हो कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर कमेंट कर दो। चलो मैं बताता हूं, जिसका नहीं आया हो अब देख लो। बोला रानी एक्टिवा से अपने कार्यालय गई, वो अपने घर से 10 मीटर दक्षिण की तरफ गई। तो भैया ये तो पहले बना लो, ये क्या होता है आपका डायरेक्शन वाला फिगर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। जैसे जैसे है अब साउथ में लेके जाना है, क्योंकि यहाँ दक्षिण बोला है 10 मीटर, तो 10 मीटर दक्षिण हम बना दें। ये लो भैया 10 मीटर का हम दक्षिण में बना दिए, कि रानी एक्टिवा उठाई और 10 मीटर दक्षिण में कहीं चली गई। उसके बाद बाएं मुड़ती और 50 मीटर जाती है। बाएं मुड़ती मतलब बाएं मुड़ना क्या, दाहिने मुड़ेगी तो ऐसे मुड़ेगी क्लॉकवाइज में, मगर बाएं जब मुड़ेगी तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो बाएं मुड़ी कितना चली भैया? 50 मीटर चली। ये लो लिख दिए भैया 50 मीटर। उसके बाद दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। दाएं मुड़ेगी यहां से तो किधर की तरफ आएगी? अगर ईस्ट की तरफ है तो दाहिना हाथ आपका नीचे की तरफ है, तो दाएं फिर मुड़ेगी कितना आएगा? 20 मीटर। दाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। ये लो 20 मीटर मैंने फिर बना दिया। उसके बाद अंत में फिर दाएं मुड़ती और कार्यालय तक पहुंचने में 100 मीटर जाती है। ठीक है, लास्ट में भी कौन सा मोड़ है इनका? दाया मोड़ है। ठीक है, तो अब दाहिने मुड़ेंगे तो इसका मतलब इधर ही साइड में आएंगी, तो इस साइड में आएंगी, इसे हम रफ कर लेते हैं। देखो ये 100 मीटर आई, ठीक, राइट हैंड मुड़ने पे। अब उसके बाद से आपसे पूछ क्या रहा है, उसके घर से कार्यालय, अब यहां क्या है, उसका ऑफिस है, ये हो गया ऑफिस, ठीक, और ये क्या हो गया? घर हो गया, होम हो गया। अभी नहीं कि बीच की हवाई दूरी पूछ रहा है, हवाई दूरी मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। अब ये निकालना है तो देखो, इसको राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है तो क्या करोगे, इसे ज्वाइन कर दोगे। जैसे ज्वाइन कर दोगे तो ये 90 डिग्री होगा, और ये डिस्टेंस अगर 50 है तो ये नीचे वाला भी 50 होगा, और ये 50 तुम्हारा बचेगा यहां के बाद, इतना 50 हो गया, इतना 50, 100 था ना टोटल, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? ये 100 थी। ठीक है, तो इसमें 50 इधर हो गया, 50 इधर हो गया, बाकी ये कितना होगा? ये 20 होगा, और ये वाला कितना होगा? ये 10 मीटर था दक्षिण में, और ये 20, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट आपका हो जाएगा 30 मीटर। ठीक, तो आपका फॉर्मूला क्या होता भाई? हाइपोटेनस, इसको दे दो नाम ए, इसको नाम दे दो बी पॉइंट को, तो इसको यहां पे जो है ये सी दे दो इसको यहां पे, ठीक, यहां पे, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर आपका इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस चाचा तो यही बोलते हैं ना, ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर अपॉन
मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखो आपको परपेंडिकुलर पता है कितना है, 30 है, 20 और 10 30 है, तो 30 का स्क्वायर, और नीचे वाला बेस कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर, तो करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पे 2500 और ये 900, और ये कर जोड़ लोगे तो 9, 5, 14, 3, 3400 आपका आंसर आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर है ये। अब ए बी मेन चाहिए ना हमें, ए बी हमें मेन चाहिए, उसे देख लेते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3400 आया है, तो ए बी का क्या वैल्यू हो जाएगा भाई, अंडर रूट में 3400 कर दोगे तो 00, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा 10 बाहर निकल आएगा, और रूट में क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्या रूट में ऐसे ऑप्शन है क्या, देख लो हाँ ऐसे ही ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हवाई दूरी कौन है, ए बी इक्वल टू 10√34, तो कौन सा है ऑप्शन सी सही है। तो आसान सा क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन सी आया करेक्ट हो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्यान से पढ़ो और आंसर जिसका आ जाए कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर पूरब की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, वो फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, इसके पश्चात वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जिसका आंसर आ जाए भैया कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। देखो क्या बोल रहा है, मैं बता रहा हूं जिसका नहीं आया है, देख लो। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है, ये नॉर्थ ऊपर होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। तो नॉर्थ की तरफ गया कितना गया, 30 किलोमीटर गया, ठीक 30 किलोमीटर गया, और फिर पूरब की ओर मुड़कर 40 जाता है, पूरब की ओर मुड़ गया भैया, लो 40 मैंने बना दिया, 40 किलोमीटर है भैया देखना, 40 किलोमीटर जाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे की तरफ 20 जाता है, इसका मतलब ये 30 है, तो इससे कम ही रहेगा 10, तो ये 20 किलोमीटर कर लो इसको। उसके बाद दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है मतलब क्लॉकवाइज ही मुड़ेगा, तो यहां पे इस साइड मुड़ेगा कितना जाएगा 40 जाता है, मतलब सेम डिस्टेंस जितना ये है उतना ही ये भी होगा 40 किलोमीटर, मतलब इस पॉइंट पे वो पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। और ये टोटल अगर 30 का है, ठीक, तो ये 20 का होगा, क्योंकि ये 20 तो इतना ये भी 20, बचा कितना है ये 10, और ये क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका डेस्टिनेशन है, उसके बीच की तो दूरी पूछा हो, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये स्टार्टिंग है और ये डेस्टिनेशन है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ भैया 10 हुआ, टोटल 30 था तो 20 इधर निकल गया, 10 ये बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक। अब इसका तो आंसर सबका आ जाना चाहिए था। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लो इसे और आंसर दो तुरंत जल्दी से जल्दी, कमेंट में आंसर सभी का आ जाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो कार एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा की दूरी दिशा में, और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरब दिशा में जाती है, तदनुसार 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच कितनी दूरी हो जाएगी, ठीक। दोनों कार एक जगह से दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, और 2 घंटे बाद पूछ रहा हूं उनके बीच के डिस्टेंस कितना होगा, मतलब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच का निकालना है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा तोप नहीं है। जिसका आंसर आया है भाई कमेंट कर दो, उसके बाद जिसका नहीं आया मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको इसका आंसर निकालना है। तो पहले क्या बोला है, पहले देख लेते हैं, पहले आपसे बोला है कि दो कारें एक ही स्थान पर, उनमें से एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा में, मतलब ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। चलो देख लेते हैं, नॉर्थ में ठीक जाती है एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे बाद बोला है ना, तो 2 घंटे बाद 20 यहां से अगर स्टार्ट हुई है ये कार उत्तर की दिशा में जा रही है, तो मान लो ये 2 घंटे में 40 डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है 2 घंटे में, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर, और यहीं से एक जो कार है आपकी निकली है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, वो पूरब दिशा में जाती है, तो पूरब दिशा इधर, तो 2 घंटे में कितना जाएगी भैया 30 किलोमीटर जाएगी, ये 15 दुनी 30, तो यहां पहुंच गई है, ठीक।
अब इनके बीच की दूरी पूछा, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सिंपल है, ये चार है, ये तीन है, तो ये क्या होगा भैया, ट्रिपलेट ही तो बन रहा है। ये चार है, चार इंटू टेन हुआ है, और तीन इंटू टेन हुआ है, तो ये क्या होगा, पांच इंटू टेन होगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा इसका ट्रिपलेट पे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे भी आप लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा लो इसमें, तो पाइथागोरस भी वही बोलता है आपको, यह डिस्टेंस निकालना है अंडर रूट में किसका, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1600 हो जाएगा प्लस ये 900 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये भाई, ये 2500 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में होगा, तो क्या होगा, 85 तो आएगा इसका आंसर। तो सेम है, वैसे भी कर सकते हो, अगर ट्रिपलेट पता है जहां चार तीन आ जाए, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 5 होगा ही होगा। चलो, तो आंसर आ गया जिसका 50, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, अगला क्वेश्चन मैंने ये टाइप आपको बताया था सिंबल वाला, अभी तक ये एग्जाम में नहीं आया, मगर एग्जाम में आ सकता है इसी टाइप से क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन में आपसे पूछा गया है UP SSC द्वारा, तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो कि ये नहीं आएगा, आ सकता है, ये भी कुछ ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। आप जिसका आ गया हो आंसर वो कमेंट कर लो, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया होता है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ डिकोड करके उसे बताना होता है कि क्या होगा, इससे आसान कुछ होता नहीं है। चलो, जिसका आ गया तो सही है, अब जिसका नहीं आया देख लो आंसर क्या होगा। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी के दक्षिण में है, तो हम सीधे इक्वेशन पे आते हैं ना, कि हमारा इक्वेशन क्या बोल रहा है, एक एक को सॉल्व करते हैं। टी इंटू एच दिया है स्टार वाला, तो स्टार वाला देख लें कहां भैया, स्टार वाला है ना, ए बी का अर्थ है ए बी के उत्तर पूर्व में है। ठीक, तो हम बना लेते हैं पहले, ये दो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। डिस्टेंस भी दिया है कि ए बी के उत्तर पूर्व में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब पहला वाला जो है दूसरे वाले से 20 से उत्तर पूर्व में है। तो अगर इसमें हम देखें तो H अगर हम यहां मान लें, ठीक है, ये H मान लें, तो H से T किधर है, उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व हमारा कहां हो जाएगा भैया, ये वाला नॉर्थ ईस्ट, यही तो उत्तर पूर्व होगा, कितना है 20 मीटर की दूरी पर है, लो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, T हो जाएगा। अगला क्या है, H प्लस M है, H प्लस M है, तो A प्लस B वाला आएगा इसमें, तो A B के दक्षिण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, पहला मतलब A जो है B के दक्षिण में है। ठीक, तो इसका मतलब M से H क्या है, दक्षिण में है। ठीक, H जो है दक्षिण में किससे, M से, कितने, 20 मीटर की दूरी पे, तो 20 मीटर की दूरी पे है, मतलब M कहीं ना कहीं यहां होगा। ठीक, कंफ्यूज ना होना, सिंपल से मैं बता दूं, एम ये है, यहां एच होगा, और यहां से इसके उत्तर पूर्व में कौन है, 20 मीटर पे ये टी है, और ये 20 मीटर पे यहां आपका एम है, तभी तो एम से एच जो है दक्षिण में पड़ेगा, क्योंकि प्लस का साइन मतलब क्या होता है, कि पहला वाला आपका दूसरे वाले के दक्षिण में हो, तो पहला वाला जो है आपका एच जो है वो एम के दक्षिण में है। अगला क्या बोल रहा है, M डिवाइडेड बाई W, डिवाइड का देख लें भैया साइन क्या बोला है, ये रहा, बोला ए बी के पूर्व में 20 मीटर है, मतलब जो पहला वाला है वो पूर्व में है किसके, सेकेंड वाले के, सेकेंड के पूर्व में कौन सा है, पहला वाला, कितना 20 मीटर। तो अब क्या करें भैया, यहां से सेकेंड वाले मतलब W, W के 20 मीटर पूर्व में हो गया, ये इसे मैं रफ कर देता हूं, ये W के 20 मीटर पूर्व में M हो गया, उसके बाद से क्या बोला आपका इक्वेशन, W माइनस V, माइनस वाला क्या बोल रहा है देख लो, यहां हो गया A माइनस B, A B के उत्तर में है। ठीक, A B के उत्तर मतलब ये W जो है V के किधर है, उत्तर में है, कितना 20 में, तो ये भी यहां पे आ जाएगा क्या V, तभी तो V से जो है W किधर है, उत्तर में है, कितना 20 सेंटीमीटर चाहे मीटर जो भी हो आपका वो दूरी हो गया। ये आपका डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम से आपसे पूछ रहा है कि टी के संदर्भ में वी किस दिशा में है, किसके संदर्भ में, टी के संदर्भ में, तो जिसके संदर्भ में पूछे वहां से आपको बताना है कि वी किस दिशा में है, तो टी के संदर्भ में पूछा है तो टी पे क्या बना लो, डायरेक्शन बना लो ऐसे। ठीक, और V कहां है, ये है आपका इस पोजीशन पे, तो ये किस डायरेक्शन में उसके लाई कर रहा है,
भाई ये सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट में लाई कर रहा है ना भाई। टी से पूछा है, वी की डायरेक्शन पूछा है, तो टी पे हमने डायरेक्शन बना लिया। अब यहां से ये देख रहे हैं ये किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, साउथ वेस्ट में कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जिसका आंसर ये डी आया हो करेक्ट हो। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई, इसका आंसर कमेंट कर दो जिसका आ जाए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने इमेज पे शैडो पे जो बताया था उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोला है, मुकुल सुबह 7 बजे एक खंभे की ओर मुख करके खड़ा था, खंभे की छाया उसके दाहिने ओर गिरती है, उस दिशा का पता लगाए जिस तरह वो मुख करके खड़ा है। ठीक है, सुबह का टाइम है तो सूरज किधर होगा, दो ही बनता है इसमें, एक तो सुबह या शाम में, तो सूरज सुबह में किधर होता है भैया, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ये ईस्ट या वेस्ट। ठीक, तो ईस्ट में अगर सूरज है तो दो लोग खड़े होंगे यहां, एक तो कोई यहां खड़ा हो यहां खड़ा हो, तभी इसकी जो छाया इधर और इधर बनेगी। अगर वेस्ट है, वेस्ट में सूरज होगा, सूर्यास्त का समय होगा, तो छाया ईस्ट की तरफ बनेगी। ठीक, तो सूरज क्या है आपका, ईस्ट डायरेक्शन में है। और कौन है भैया, मुकुल है, सुबह 7 बजे खंभे की ओर मुख करके खड़ा था। ठीक है, मान लो यहां मान लेते हैं ये खंभा हो गया, के से डिनोट कर दिए, और यहां हो गया मान लो मुकुल, एम से डिनोट कर दे रहे हैं मुकुल को, तो इसकी छाया यहां पड़ेगी, इसकी छाया यहां पड़ेगी। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है खंभे की छाया उसके दाहिने ओर गिरती है, उसके मतलब किसके, मुकुल के दाहिने ओर। तो अगर मुकुल नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा भैया, राइट तो यही होगा और लेफ्ट ये होगा, तो अभी जो खंभे की छाया है वो उसके लेफ्ट में पड़ रही है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट तो नहीं होगा, मैंने बताया था आपको कि दो अरेंजमेंट होते हैं, तो इसका मतलब मुकुल कहां होगा आपका, जस्ट साउथ की तरफ फेस करके खड़ा होगा। ठीक है, चलो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा होता है वो देख लेते हैं। अब यहां कर देते हैं मुकुल को और यहां कर देते हैं भैया खंभा है जो आपका, के से डिनोट कर दिए। अब सूरज आपका कहां, ईस्ट में है, यहां से इसकी छाया इधर बनेगी, इसकी छाया ये बनेगी। दूसरा केस जब मुकुल साउथ की तरफ हो और खंभा नॉर्थ की तरफ फेस किया हो, तब देखो कि जो खंभे की छाया है अब यहां क्या हो जाएगा, यह आपका राइट साइड हो जाएगा, क्योंकि अगर साउथ की तरफ फेस किया हो तो आपका राइट हैंड इस साइड में चला जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हैंड हो जाएगा। तो अब देखो खंभे की छाया मतलब ये जो खंभे की छाया है वो उसके दाहिने ओर गिरती है, किसके मतलब मुकुल के दाहिने ओर, तो मुकुल का ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ना, उसी में तो ये आ रहा है खंभे की छाया, तो इसका मतलब मुकुल किस तरफ फेस करके खड़ा है, साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। तो वही आपसे पूछा भी है कि उस दिशा का पता लगाएं जिस तरफ वह मुख करके खड़ा था, तो किधर खड़ा है भैया, वो साउथ की तरफ है, ये वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया था तो साउथ की तरफ खड़ा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये देख लो, जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर दो। सिंपल सा है, डायरेक्शन आपका मिस्टेक वाला है, कंपास वाला जो मैंने आपको बताया था, एक कंपास में पश्चिम दिशा दक्षिण के रूप में दिखा रही है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जाना चाहता है तो कंपास के अनुसार उसे किस दिशा में जाना चाहिए, मतलब उसका कंपास गड़बड़ हो गया है, वो कंपास के हिसाब से अगर जाए, अगर उसे पूर्व दिशा में जाना है तो कंपास के हिसाब से पूछ रहा है वो किस दिशा में जाए। ठीक, तो कैसे चेंज हुआ, मैंने ये टाइप आपको बताया है कैसे इसे करना है, पहले आप पूरा का पूरा डायरेक्शन बता लो बना लो। ठीक है, ये होता है आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यहां क्या होता भाई साहब, नॉर्थ वेस्ट, इसके इसके बीच में नॉर्थ साउथ, इसके इसके बीच में साउथ ईस्ट और इसके इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट। अब हमसे क्या बोला है, जो जो डायरेक्शन बोला, बोला पश्चिम दिशा मतलब हमारा जो वेस्ट है दिशा दक्षिण के रूप में दिखा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, साउथ हो जा रहा है। कंपास जो उसका गड़बड़ ऐसा हो गया कि भैया जो पश्चिम था उसे क्या दिखा रहा है, साउथ दिखा रहा है। ठीक है, जो हमारा पश्चिम था वो किस में चेंज हो गया, साउथ में चेंज हो गया, तो ये पश्चिम जो कहां चला गया, साउथ चला गया। तो जिस डायरेक्शन में गया कि पश्चिम साउथ हो गया,
उसी हिसाब से पूछ रहा है कि यदि व्यक्ति पूरब की दिशा में जाना चाहे, अगर ईस्ट जाना है उसे, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे ये चेंज हुआ, वेस्ट से साउथ हुआ, कितना डिग्री? 90 डिग्री। कौन से? ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री शिफ्ट हुआ। वैसे हमारा ईस्ट भी 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर उसे पूरब दिशा में जाना है तो वो ईस्ट से ये शिफ्ट होगा, किधर आ जाएगा? नॉर्थ में आ जाएगा। तो ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये भी डायरेक्शन तो शिफ्ट हो जाएगा उसके कंपास में, तो ये भी 90 डिग्री शिफ्ट हो गया, तो नॉर्थ में पहुंच गया। इसका मतलब कि अगर उसे पूरब में जाना है तो अपने कंपास से वो किस दिशा में जाए? नॉर्थ डायरेक्शन में जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जिसका आंसर आ गया करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं, देख लो क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बता दो भाई जल्दी से कमेंट करके जिसका आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, घड़ी पे जैसे मैंने आपको कराया था, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, क्वेश्चन देखो और तुरंत आंसर कमेंट करो। बोल रहा है एक घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, 10:30 आपसे बोल रहा है, हो रहा है समय ठीक, और 10:30 में ये घड़ी बना दे रहा हूं मैं, ये होता है 12, ये होता है 3, ये 6 आपका 9, और यहीं पे आपका 10 और 11 लिख लिए क्योंकि हमें इसका काम है। अब 10 क्या हो रहा है भाई? 30 हो रहा है, तो यहां होगी घड़ी घंटे की सुई, ये होगी आपकी मिनट की सुई। ये आपकी मिनट की सुई होगी ठीक। तो मिनट की सुई को क्या बोल रहा है? यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो, ठीक है, अभी तो ये जो दिशा होती है आपकी मेन क्या है? नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है, ईस्ट यहां है और वेस्ट यहां है, यही होता है घड़ी में भी। तो अगर ये साउथ में है तो साउथ हमारा क्या चेंज हो जा रहा है? वो उसके हिसाब से बोल रहा है, अगर साउथ में अगर मिनट की सुई है अभी, तो उसके हिसाब से जो ये मिनट की सुई है किधर दिखा रहा है? उत्तर मतलब नॉर्थ दिखा रहा है, ठीक है भैया साहब, नॉर्थ दिखा रहा है उसके हिसाब से। तो घंटे की सुई पूछ रहा है कि घंटे की सुई किधर होगी, तो वैसे तो हमारा जनरली जब 10:30 होगा तो ये जो है आपकी मिनट की सुई दक्षिण में होगी, मगर वो बोल रहा है दक्षिण में ना होके नॉर्थ में, मतलब साउथ किस में चेंज हो गया? नॉर्थ में चेंज हो गया। तो बस हमारा यहीं से तो काम बन जाएगा, ये दो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, और ये क्या हो गया आपका साउथ वेस्ट। अभी जो है ये 10 वाली घंटे वाली सुई किधर है हमारी? नॉर्थ वेस्ट में है, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है जनरली। तो अब इसे बदल के क्या होना है? कुछ होना है, क्योंकि जब ये साउथ में था, साउथ में ना होकर नॉर्थ में है, तो नॉर्थ वेस्ट भी बदलेगा। अगर साउथ नॉर्थ में हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम गया? ये एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम गया, मतलब अपने अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तभी ना। तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट भी अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ का साउथ होता है और वेस्ट का ईस्ट होता है, मतलब साउथ ईस्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो घंटे की सुई होगा वो किधर होगा? साउथ ईस्ट में होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके डायरेक्शन चेंज पे ही कंपास पे ये कर सकते हो कि भैया हमारा जो मिनट का सुई होता है मेनली जब 6 पे होगा इसका मतलब साउथ पे है, मगर उसने बोला कि मिनट की सुई साउथ में ना होके नॉर्थ में है, मतलब साउथ हमारा चेंज होके नॉर्थ बन गया। तो साउथ चेंज होके नॉर्थ कैसे बना? एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम के। तो उसी हिसाब से अगर नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम, एंटी क्लॉकवाइज यहां से घूमेगा तो कहां आ जाएगा? अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ ईस्ट में आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट आपका कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। ये अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो और कमेंट करो इसका आंसर। अब आसान आसान से सभी क्वेश्चन है, सभी के आंसर करेक्ट आने चाहिए। यह भी उसी पे है, यदि पूर्व दक्षिण बन जाता है, दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर दिशा में जाने के लिए एक व्यक्ति किस दिशा में जाना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन बोला है आपसे कि क्या बोला है, ईस्ट अगर आपका क्या बन जाए? साउथ बन जाए, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है,
दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर दिशा में जाने के लिए, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, यदि पूर्व दक्षिण बन जाता है तो ये लाइन हटा दो, ये लाइन किसी काम की नहीं है। तो उत्तर दिशा में जाने के लिए एक व्यक्ति किस दिशा में जाना चाहिए, ठीक, उस लाइन का कोई मतलब नहीं, वो अलग से पेस्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ईस्ट साउथ हो जाता है तो अगर किसी व्यक्ति को उत्तर दिशा में जाना है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये भी उसी पे चेंज पे है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। क्वेश्चन क्या बोला भैया, ईस्ट जो है अगर साउथ हो जाए, ईस्ट साउथ हो जाए तो ये लो, ईस्ट जो है आपका साउथ हो गया, ईस्ट जो है साउथ बन गया। कैसे बना, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम के, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूमा तो ईस्ट वाला साउथ पे आ गया। उसी हिसाब से अगर हमें नॉर्थ जाना होगा, उत्तर जाना होगा, तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो नॉर्थ भी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, कहां पहुंचाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें उत्तर की तरफ जाना है तो हम पूरब की तरफ जाएं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया है सभी। तो अगर हमें उत्तर की दिशा में सैर करना है तो हमें ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जो भी उसके हिसाब से डायरेक्शन वाला इंस्ट्रूमेंट होगा उसके हिसाब से, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ईस्ट मतलब ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लो, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। दीपक 100 मीटर उत्तर में जाता है, फिर 100 मीटर पूर्व में जाता है, फिर 90 मीटर दक्षिण में, इसका आंसर कमेंट कर दो। सिंपल सा है, खाली आपसे घुमाया है क्वेश्चन, खूब नंबरिंग करके इसे कई पार्ट में घुमाया है। दीपक 100 मीटर उत्तर में जाता है, फिर 100 मीटर पूर्व में, फिर 90 मीटर दक्षिण में, फिर 90 मीटर पश्चिम में, फिर 80 मीटर उत्तर में, फिर 80 मीटर पूर्व, फिर 70 मीटर दक्षिण में जाता है, रुक जाता है। वो शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में, दिशा पूछ रहा है, डायग्राम बनाने की जरूरत तो पड़ेगी, वो भी शुरुआती से पूछ रहा है, रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। दीपक 100 मीटर उत्तर में गया, ये लो 100 मीटर उत्तर में मैंने बना दिया, और बड़ा कर देते हैं, ठीक। उसके बाद से बोला 100 मीटर पूरब गया, ये लो ये पूरब हो गया, 100 मीटर पूरब में गया, फिर 90 मीटर दक्षिण में गया, मतलब 90 मीटर ही गया, इससे कम ही रखना भैया 10, ठीक है, ये 90 मीटर दक्षिण में चला गया, तो हमारा नीचे ही दक्षिण होगा, ये 90 मीटर हो गया। उसके बाद और लेते आओ इसे 100 और बड़ा कर लो, ये लो इसे और बड़ा कर लो, ठीक। उसके बाद से क्या बोल रहा है, फिर 90 मीटर पश्चिम में गया, 90 मीटर पश्चिम में आया तो पश्चिम इधर होगा आपका, 90 ही आया है, ये 100 पूरा तो ये यहीं पे आके रुक गया, समझ लो 90 मीटर। उसके बाद 80 मीटर उत्तर में गया, फिर 80 मीटर उत्तर में गया, ये 90 टोटल, इससे भी कम 10 जाएगा तो यहां रुक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर 80 मीटर पूरब में गया, 80 मीटर पूरब में गया, ये लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये तो 90 है नीचे वाला, तो इससे भी कम ही जाएगा 10, क्योंकि 80 ही जाना इसे, तो 80 मीटर आपका यहां पहुंच गया पूरब में। फिर 70 मीटर दक्षिण में आएगा, अब 70 मीटर आएगा, क्योंकि देखो ये पूरा 80 है, ये भी डिस्टेंस यहां से अगर मैच कर दूं तो ये 80 होगा, मगर इससे भी कम ही आएगा, ये यहां पे आएगा, तभी ये 70 होगा, ठीक है, ये 70 होगा, 70 मीटर दक्षिण में आ जाता है और रुक जाता, अब यहीं रुक गया है, मतलब ऐसे पूरा आपका बन गया, देख लो। अब पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में है, मतलब यहां से पूछ रहा है आपसे, इससे और ये वाला पोजीशन पूछ रहा है, तो यहां बना लो डायरेक्शन, यहां से पूछ रहा है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, और इसे देख लो किस डायरेक्शन में आएगा भैया, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, सिर्फ घुमाया था इधर उधर। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो, आंसर आ जाए कमेंट कर लो, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, पाइथागोरस पे आपका ये लग जाएगा। बोला है रिया विद्यालय जाने के लिए घर से चलती है, वह पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूरब दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर उत्तर पूरब दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, विद्यालय पहुंचने के लिए वह वहां से अंत में 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, आपको पूरा टोटल डिस्टेंस पूछा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस जो भी आएगा वही आपको पता करना है। पहले क्वेश्चन जैसे बोला रिया विद्यालय जाने के लिए घर से चलती है, पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, पूरब में हम 5 किलोमीटर चल दिए, ये लो
ये घर हो गया उसका H लिख लियो प्रिया। अब यहां से 5 किलोमीटर पूरब में गई, उसके बाद दक्षिण पूरब दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर, यहां से दक्षिण पूरब अगर बनाओगे तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। दक्षिण पूरब मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में कितना 10 किलोमीटर, ठीक है, तो यहां आ गई। उसके बाद से फिर वो उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर मुड़ती, अब यहां से उत्तर पूर्व बना लो, तो ये नॉर्थ होता है भैया, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, तो उत्तर पूर्व मतलब इस वाले डायरेक्शन में 10, तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये, तो पूरा इसी के बेस पे यहां पहुंच जाएगी, ठीक है, ये भी 10 किलोमीटर है आपका, ठीक। उसके बाद से बोला विद्यालय पहुंचने के लिए वो अंत में 5 किलोमीटर और चलती है पूरब की तरफ, तो यहां पहुंची तो 5 किलोमीटर और पूरब की तरफ गई, ठीक। यहां उसका आ गया क्या है, स्कूल आ गया, जो भी होगा विद्यालय होगा स्कूल होगा, यहां पहुंच जाती है। अब पूछ रहा है यहां से लेकर ये पूरा टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो ये तो 5 यहां तक पता है, यहां से ये मुड़ी थी, तो 5 ये है, 5 ये यहां से यहां तक का है, बीच वाला कैसे पता चलेगा, बीच वाला देखो ये 45 डिग्री पे होगा, ये 45 डिग्री पे होगा, मतलब ये टोटल 90 डिग्री हो गया, इसको हम ज्वाइन कर दें ये, ठीक, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहां पाइथागोरस चाचा को लगा लेंगे, ये हमें 10 पता है, ये 10 पता है आपका बेस, और परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेन्यूस पता कर लोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा वो डिस्टेंस निकालोगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आपका हो जाएगा 10√2, ये हो जाएगा, जब इसे करोगे सॉल्व करोगे तो 10√2 में हो जाएगा, क्योंकि दो दो बार है तो 2 10 का स्क्वायर होगा ना, तो वही अंडर रूट में 2 हो जाएगा, बाकी तो 10 का निकल ही आएगा, तो 10√2 ये आ गया, मतलब ये जो डिस्टेंस आई हमारी 10√2 आई, बाकी क्या है 5 और हो गया, तो 10 प्लस 10√2 ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 5 ये 5 वो जोड़ लोगे, और ये जो आया आपका पाइथागोरस लगाने से 10√2 ये, तो आपका आंसर कौन सा होगा, देखो 10 प्लस 10√2 आपका ये आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका जो ये प्रीवियस क्वेश्चन था भैया, कुछ लोगों ने इसका आंसर डी दिया है, मैं समझ में नहीं आता कहां दिमाग रख के इसका आंसर डी दिए हैं, जो भी जैकपॉट आपका क्वेश्चन था प्रीवियस सेशन में, इसमें बोला था एक विद्युत ट्रेन है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा, भैया जब विद्युत ट्रेन है तो इंजन में धुआं कहां से आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर डी देने वाले कम से कम क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लिए होते, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, विद्युत ट्रेन में से धुआं नहीं निकलता भाई साहब। आज के क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, आज का क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कमेंट कर देना, आज का जो आपका जैकपॉट क्वेश्चन ये रहा, राहिम अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल से 300 मीटर की यात्रा करता है, वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह 135 डिग्री के कोण पर बाईं ओर मुड़ा और अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर तक साइकिल से जाता है, रहीम का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर इसका आ जाना चाहिए और कमेंट में इसका आंसर कर दो। तो ये आज का आपका सेशन रहा क्वेश्चन का, ऐसे एक और क्वेश्चन सेशन में लेके आऊंगा आपको, कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो करा दो डिस्टेंस डायरेक्शन की, मतलब जितने टाइप आपके होते हो, तो अगले वाला जो सेशन होगा उसमें मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। तो अभी तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।